खेतों के बाद अब खूंटी पुलिस अफीम की अवैध खेती करने वालों के घर में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने अड़की थाना क्षेत्र के लेपसिर गांव में चंबड़ा मुंडा के घर में छापेमारी कर 1 किलो 850 ग्राम अफीम और 82 किलोग्राम डोडा बरामद कर लिया है। मौके पर ही पुलिस ने चंबड़ा मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र के लेपसिर गांव में चंबड़ा मुंडा ने अफीम की खेती की थी, जिसके बाद वह अफीम और डोडा अपने घर में जमा कर रखा है और उसे बेचने की तैयारी में है। इस सूचना पर एसपी ने तत्काल एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें एसएसपी उलेहातू कैंप के एसी अजित कुमार, उपाध्याय इंस्पेक्टर रघु कुमार, अड़की के सब इंस्पेक्टर पवन कुमार, विवेक कुमार महतो, रोहित कुमार वर्मा आदि पुलिस अधिकारियों और जवानों को शामिल कर सूचना के सत्यापन के लिए भेजा। सूचना सटीक थी। पुलिस ने चंबड़ा मुंडा के घर से अफीम और डोडा बरामद कर चंबड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में अड़की थाना में केस दर्ज किया गया है। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। We'll be right back.